हिमाचल प्रदेश 2020 क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित एचपी स्टेट लेवल 2020 चैंपियनशिप का नौणी विश्वविद्यालय के मैदान में आगाज हो गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 12 जिलों की 12 टीमों के अलावा दो स्टेट लेवल के क्लबों की टीमें सहित कुल 14 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ माननीय जस्टिस एसएस ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर किया। आपको बता दें कि 14 टीमों को 4 पुलों में बांटा गया है और अपने पुल में प्रथम रहने वाली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी और 29 जनवरी को प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला जाएगा। वहीं विजेता टीम को 31,000 नकद रुपए पुरस्कार और ट्रॉफी दी जाएगी। वहीं उपविजेता को 21,000 व ट्रॉफी दी जाएगी। प्रतियोगिता का पहला मैच मेजबान सोलन व हिमाचल प्रदेश सचिवालय खेल संघ की टीम के बीच खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए सोलन की टीम ने कुल 118 रन बनाए। इस लक्ष्य को सचिवालय की टीम ने 3 विकेट खोकर पूरा कर जीत हासिल की। आज डॉक्टर वाईएस परमार हॉर्टिकल्चरल फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी नौनी में हिमाचल प्रदेश 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 14 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें 12 जिले और 2 अन्य स्टेट लेवल के क्लब आए हैं। यह प्रतियोगिता आज आरंभ हुई है, जिसका उद्घाटन माननीय जस्टिस श्री एसएस ठाकुर जी ने किया है। पहला मैच सोलन जिला जो कि होस्ट हैं उनके बीच और हिमाचल प्रदेश सचिवालय की टीम के बीच में खेला जा रहा है। यह प्रतियोगिता 29 तारीख तक चलेगी, जो कि लीग बेस पे खेली जा रही है। टीमों को 4 पूलों में बांटा गया है, जिसमें से प्रत्येक पूल में से एक एक टीम आगे आएगी और सेमीफाइनल्स खेलेगी। ग्रुप में प्रथम जो पुरस्कार है वो 31,000 रुपये का नकद रखा है और द्वितीय टीम द्वितीय स्थान पर रहने वाली टीम को 21,000 का यहाँ पर नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा विनर टीम, रनर्स अप टीम और प्रत्येक